मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह। मैं रेवरेंड संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो का मेन उद्देश्य है यूक्रेन के लिए प्रार्थना करना। यूक्रेन में जो हालात है आप सब उसे अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और यूक्रेनियंस को, यूक्रेन के देशवासियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और वहां के लोग बिलप रहे हैं, बिखरे हुए हैं और कलप रहे हैं। और ये बातें एक चिंता का विषय भी है कि आज अपडेटेड वर्ल्ड में ब्लड शेड जारी है, खून बहाना जारी है, एक दूसरे पे मोह माया नहीं है। ऐसे समय में हम और आप क्या कर सकते हैं? मसीही होने के नाते हम और आप अपना फर्ज अदा कर सकते हैं, जैसे वचन में लिखा है कि सचेत रहो, जागते रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। इस समय हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि उनके शांति के लिए, उनके अच्छे अमन के लिए और फिर से नॉर्मल लाइफ के लिए हम दुआ कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि दुआ में इतनी ताकत है कि हर चीज़ नया हो जाता है। इसलिए मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि यूक्रेन और रशिया के लिए दुआ करें। आप ज़रूर कुछ समय निकालें स्पेशली रशिया और यूक्रेन के लिए और परमेश्वर के आगे विनती करें कि प्रभु आप विशेष कृपा करें, अगुवाई करें, ताकि दोनों देशों के बीच में शांति का माहौल और युद्ध का खात्मा हो सके। बहुत क्षति हो चुका वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और अगर ये युद्ध चलता रहा तो बहुत सारे और विपत्तियाँ और नुकसान होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के आगे अपने आप को हलीम, दीन, नम्र करते हुए कुछ समय निकालते हुए जरूर आप रशिया के लिए प्रार्थना करें। अपने लिए तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आता है और दूसरों को, दूसरे के जीवन में तो भलाई होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए और जरूर समय निकालिए, प्रार्थना कीजिए यूक्रेन और रशिया के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका दास होने के नाते हमारे जीवन में जो आपने अधिकार दिया परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं प्रभु जी रशिया और यूक्रेन के लिए। परमेश्वर जो युद्ध चल रहे हैं परमेश्वर, बहुत सारे जीवन नष्ट हो चुके हैं, बहुत सारे प्रभु जी माँ बेटे अलग हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मर चुके हैं और बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जी इन दोनों देशों के बीच में आपका शांति का बंधन बंधे परमेश्वर, और बहुत सारे जीवन जो नष्ट हो रहे हैं वो बचाए जाएं। यीशु आपसे दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, असंभव कार्य को संभव करने वाले हैं, युद्धों को बंद करने वाले आप ही हैं, विजय देने वाले आप ही हैं और हर एक अच्छे काम प्रभु जी आपकी ही ओर से होती है। दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप एक अनोखा कार्य करें, अचंभा कार्य करें परमेश्वर। बहुत सारे जीवन जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, एक नया ताजगी के साथ परमेश्वर, एक नया बल के साथ प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। विशेष दोनों देशों के बीच में एक मजबूत समझौता और प्रभु जी जो वार चल रहा है इस समय प्रभु जी, उन लीडरों के बीच में प्रभु जी आप उनके मनों में, हृदयों में काम करें परमेश्वर। और पिता नुकसान के जगह प्रभु जी दोनों मेल हो जाए परमेश्वर, खुदाबंद यीशु। हाँ प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि प्रभु जी आपके प्रभु जी कार्य अनोखे हैं और आप महान परमेश्वर हैं। आप ही हैं जो ज्ञान बुद्धि देते हैं और आप ही हैं जो देश और लोगों का स्थापना करते हैं परमेश्वर। खुदा
हमारी दुआ सुनिए प्रभु जी। और प्रभु जी यूक्रेन में विशेष कृपा रहे प्रभु जी, प्रभु आप यूक्रेन का परमेश्वर बन जाइए प्रभु जी, और अपने लोगों को बचाइए खुदाबंद यीशु। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भूख प्यास दे, इस दौड़ में जो होने वाली बात है उसके लिए प्रार्थना करें, सताए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, और कष्ट में लोग जीवन बिताए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। इस समय हम दुआ करते हैं, और हमारे साथ जितने भी लोग दुआ करें उन सबको आशीष बरकत देना। खुदा आप अपने प्रभु जी दास की प्रार्थना, आप अपने लोगों की प्रार्थना स्वीकार कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी वहाँ के जो चर्चेस हैं, वहाँ के जो मसीही हैं, उन सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। विशेष कृपा हो यूक्रेन और रसिया में, हमारी दुआ को सुनिए कबूल कीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना किया जाए। सबका परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, और हम और आप जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के आगे नम्र और दीन होकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना जरूर देश विदेश और लोगों के जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा। तो आप सबों को जय मसीह, और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष और बरकत दे, आमीन।